शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। यही है इस बच्चे का बाप, उर्वशी का पति। हम तुम्हारे पांव पड़ते हैं गौरव, हमारी इज्जत की पगड़ी समाज में उछल रही है, अब वो तुम्हारे कदमों में है, प्लीज उसे बचा लो। हमारी लाज है। अगर ये सच है तो अभी के अभी इसकी मांग करो। हटो गौरव, अब तुम्हारा हम पर कोई हक नहीं है। तुम हमें गलत समझ रही हो, हमें अपनी बात रखने का मौका तो दोगे ना। ये सब हमने अपनी अपनी मर्जी या खुशी के लिए नहीं किया है, ये सब हमने प्रिंस के लिए किया है। तुम नहीं थी गहना, लेकिन वो औरतें पूरे मीडिया के सामने बड़ी मेम साहब के गले में जूतों की मालाएं डाल रही थी, उर्वशी मैडम के मुंह पर कालीक पोत रही थी, बड़े साहब की उनकी कुर्सी का सवाल था कहना। जिस घर ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, ये सब हमने उसकी उस घर की इज्जत बचाने के लिए किया है। पर कहना, इस सबसे हमारे बीच में कुछ नहीं बदलने वाला है, हमारे दिल में तुम्हारे लिए अभी भी वही। पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है गौर, और रही बात मुसीबत की, तो जब हमारी जिंदगी बीच मझधार में थी तो तुमने अपने कदम पीछे हटा लिए, हमारे साथ रिश्ता स्वीकारने से भी तुमने मना कर दिया, शादी का बंधन बांधने के बावजूद तुमने उस रिश्ते को निभाने से भी इनकार कर दिया। हम ये रिश्ता नहीं निभा सकते गहना, नहीं करना हमें एक ऑनर। हम गिड़गिड़ाते रह गए तुम्हारे सामने, हमारा गौना करवाने के लिए हम यहाँ तक आ गए। तुमने जो कहा हमने वो सब किया, तुम्हारी हर बात मानी हमने गौना, लेकिन फिर भी तुमने हमें अपनाया नहीं। हम तुमसे विनती करते हैं, इस रिश्ते का सच किसी को मत बताना प्लीज। अरे गौना तो छोड़ो, तुमने तो हमें अपनी पत्नी तक नहीं माना, हमारी बचपन की शादी को नजरअंदाज कर दिया तुमने। अरे नहीं मानते हम बचपन की उस शादी को। कैसे गौरव, कैसे मान ले हम गौरव, हम कैसे मान ले कि ये सब तुमने हालातों के सामने मजबूर होकर कर लिया। कैसे बताएं तुम्हें कहना कि हमारी क्या मजबूरी थी, हमें धमकाया गया था, तुम्हारी जान की खातिर हमें ये शादी करनी पड़ी। और कोई रास्ता नहीं था तुम्हारे पास, जबकि सच तो ये है कि तुम्हारे पास रास्ता था गौरव, और आज जो तुमने ये रास्ता चुना है ना, वो अपनी मर्जी से चुना है। वो हमसे बेहतर है, आज के जमाने की है, नए जमाने की है। और तुमने कहा था ना गौरव कि ये दुनिया जज्बातों से नहीं, सिर्फ पैसों से चलती है। कम उम्र में ही समझ गए थे कि ये दुनिया सिर्फ पैसे के दम पर चलती है, पैसा है तो हर रिश्ता है। बहुत सही कहा था, तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ वजूद, पैसे, अहमियत, अच्छा भविष्य, यही सब मायने रखता है। कहना, हमें समझने में थोड़ा वक्त लगा गया। बस गौरव, तुमने बिल्कुल सही कहा, इस दुनिया में एहसास की, प्यार की, जज्बातों की कोई कीमत नहीं होती। तुम हमें गलत समझ रही हो गहना, हमें अपनी बात समझाने का मौका तो दो, हमें पता चल गया गहना कि हमारे लिए तुम ही सही थी, हम सिर्फ तुमसे ही प्यार करते हैं। बस बस,
एक शब्द और नहीं, वो अपना फैसला ले चुके हो गौरव, और आज तुम्हारे इस एक फैसले की वजह से हमारी जिंदगी के हर रास्ते अलग हो चुके हैं। तुम्हें शादी की अहमियत भले ही ना समझोगे, लेकिन अब जब तुमने किसी दूसरी औरत से शादी कर ही लिया था, तो हम अपनी आस पार नहीं करेंगे। आज से, अभी से, इसी वक्त से हमारा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। अब हमारे और तुम्हारे बीच बस एक ही रिश्ता है गौरव, आप इस घर के मालिक हो और हम इस घर की नौकर। और एक शादीशुदा आदमी को एक नौकरानी के साथ दोस्ती रखना शोभा नहीं देगा आपको। मेहरबानी से हमें ये सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए और हमें अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए। यही हम दोनों के लिए सही होगा। मुबारक हो कर, मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारा सपना पूरा हो गया था, आखिर बन ही गए तुम बड़े आदमी। जब तुम नन्हे प्रिंस को साथ लेकर घर वापस आई थी ना, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि किसी और की मेहंदी अगर तुम्हारे हाथों में लगेगी तो वो उसकी लगेगी जो तुम्हें दिल से प्यार करता हो, जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को दिल से अपनाने के लिए तैयार हो। सपने में भी नहीं सोचा था कि इन हालातों में तुम्हारी दूसरी शादी होगी। माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वक्त मुझे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा, पर मैं सच कहूं आपसे कि मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। आप जानती हैं, जब प्रिंस के पापा मुझे छोड़कर गए थे, तब मुझे अपने आप को संभालने में बहुत वक्त लग गया था। और देखिए ना, अब भी मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ हुई है जो मुझसे प्यार तक नहीं करता। मैं नहीं जानती कि वो ये शादी अपनाएगा या नहीं, ये रिश्ता अपनाएगा या नहीं। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि अगर इस बार मेरे साथ कुछ बुरा हुआ ना, तो मैं टूट जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। अब मेरी सेंटी माँ मेरे लिए वो करेंगी जिससे गौरव को ये शादी एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी और गहना का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आज से हमारा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। अब हमारे और तुम्हारे बीच बस एक ही रिश्ता है गौरव, आप इस घर के मालिक हो और हम इस घर की नौकर। मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारा सपना पूरा हो गया, आखिर बन ही गए तुम बड़े आदमी। हमारे यहाँ रिवाज, शादी के दिन शगुन में हम दामाद को कपड़े देते हैं, पर आज तुमने इस घर की लाज रखी बेटा, इसलिए ये हम अपने हाथों से तुम्हें पहनाना चाहते हैं। पहना दे। हम जानते हैं कि ये शादी तुम्हारे लिए शादी कम मजबूरी और समझौता ज्यादा है, लेकिन हमारी बेटी के लिए जिंदगी में उसे दूसरी बार मौका दिया, खुश होने फिर से एक बार उसके दरवाजे पर दस्तक दी। उसे ये मौका मत छीनो बेटा, उसे ये खुशियां मत छीनो। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, हम बहुत खुश हैं कि
कि हमारे प्रिंस को तुम्हारे जैसा पिता मिला है और उर्वशी को तुम्हारे जैसा सज्जन इंसान। एक विनती है तुमसे, हो सके तो अब तक हालातों को परे रख हमारी बेटी को अपना लो, इस रिश्ते को बांध दे दो बेटा, वो सारी खुशियां दे दो उसे जिसके लिए वो बरसों से तरस रही है, ये मौका उसे मत छीनो। इस बार की ये फरियाद मान लो बेटा और वादा करो हमसे कि हमारी बेटी को उम्र भर नहीं छोड़ोगे, उसका साथ निभाओगे, उसे बीच राह में कोई ना छोड़े बेटा, वादा करो। तुम आ गए, शादी जिन भी हालात में हुई हो आज उर्वशी और गौरव की स्वागत है। हम चाहते हैं कि तुम उनका कमरा खूबसूरत सजाओ ताकि उनकी आने वाली जिंदगी में प्यार ही प्यार बना रहे। वेल डन मां, आपने तो मेरी उम्मीद से बढ़कर काम कर दिया है। अब गहना मेरे और गौरव की सुहाग रात के लिए कमरा अपने हाथों से सजाएगी। ये लो मंजीरा और सारे काम धाम छोड़कर इसे बजाना सीख लो, बहुत जल्द इसकी जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि तुम्हारी बहन ने सारे इंतजाम कर लिए हैं इस घर को और इस बिजनेस को हथियाने के। कल तक तो वो सिर्फ पापा जी की लाडली थी, इस घर के वारिस की माँ थी, लेकिन अब उसके पास पति भी और बहुत जल्द वो इस घर का मालिक बन जाएगा और फिर हमें हमारे ही घर से बाहर निकाल दिया जाएगा और फिर हमें मंदिर के बाहर बैठकर ये मंजीरा बजाकर ही अपना गुजारा करना पड़ेगा। कल का नौकर एक झटके में मालिक बन गया, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। चाहे कुछ भी हो जाए हम इस शादी को कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। महादेव, ये हमें कैसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है आपने, जहां से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। अरे इसमें समझना क्या है, तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसका दिल आज दूसरी बार तोड़ा है तुमने, और तुमने उर्वशी मैडम से शादी उनकी इज्जत बचाने के लिए की थी ना, तो अब तो सब सही हो गया है, तोड़ दो ये शादी और जाओ अपनी गहना के पास वापस। अरे ऐसे कैसे तोड़ देगा, शादी शादी होती है गौरव, फिर वो चाहे जिस भी हालात में हुई हो, और गहना का भी तो यही कहना है ना, अब तुम इस घर के दामाद बन गए हो गौरव, एक बड़ा आदमी, और तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है, और तुम भी तो यही चाहते थे ना, एक बड़ा करियर, पैसा, सारे ऐशो आराम, उर्वशी मैडम के सिवा तुम्हें ये कोई नहीं दे पाएगा। और प्यार का क्या, गहना जितना प्यार उर्वशी मैडम तुम्हें कभी नहीं दे पाएगी, और तुम भी तो गहना से ही प्यार करते हो ना, प्यार तो तुम अपने करियर से भी करते हो ना, इस वक्त तुम्हें सिर्फ उर्वशी मैडम की जरूरत है गौरव। और तुम भी तो गहना से ही करियर से भी करते हो, गहना जितना प्यार उर्वशी मैडम तुम्हें कभी नहीं दे पाएगी, जरूरत है गौरव। अरे बस करो तुम दोनों। पापा, मेरे नए पापा बनने के लिए थैंक यू। अब पापा आ गए तो शायद मम्मा भी मुझसे प्यार करने लगेगी। प्रिंस, तुम ही मेरा आखिरी पासा थे, अब गौरव मुझसे दूर कभी भी नहीं जा पाएगा। एक बात बता गौरव, तो
तू जब बड़ा हो जाएगा, बड़े शहर में पैसे कमाने जाएगा, तो क्या हमें भूल जाएगा? पागल है, तुम्हारी पक्की वाली दोस्त है, हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा तुम्हारे साये की तरह। देखो ना गौरव, बचपन का घर घर आते असली का हो गया। गौरव और गहना, ये दोनों मिलके गौना बनते हैं। आज सच में हमारा भी मिलन है, गौना है आज हमरा। शाम को तैयार रहना, तीज की पूजा के बाद ठीक शाम 7 बजे हम तुम्हें एक सरप्राइज देंगे। फोन करते हैं भाई, हम यहां और नहीं रुक सकते। मीठा नहीं करोगे गहना, तुम्हारे बचपन की दोस्त की शादी हुई है यार। क्या लगता है तुम्हें गहना कि मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगी इतनी आसानी से? तुमने गौरव को पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर हुआ क्या? हुआ तो वो मेरा ही। अब तुम इसी घर में रहके गौरव और मेरी शादी के सारे फंक्शंस देखोगे और उतना ही जलोगी जितना मैं जलती थी तुम्हें और गौरव को एक साथ देखकर। और फिर तुम्हें मिलेगा दर्द और मुझे असली सुख। गुड्डा, तुम शादीशुदा हो ना, तो ये तुम्हारा पति? हाँ, क्या नाम है इसका? गौरव। आपको क्या लेना देना है? अच्छा ठीक है, गौरव नहीं तो फिर एक बात बताओ कि गौरव और मेरी शादी से तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी दोस्त की शादी हो गई। हम खुश होते भीमसा, हम खुश होते अगर वो उसकी जिंदगी में आए जो उसके लायक है। लेकिन आप उसके लिए सही नहीं, इसलिए हमारा दिल दुख रहा है हमारे दोस्त के। गौरव की लाइफ में मेरे अलावा और कोई हो नहीं सकता, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे डिजर्व करता है और ये बात तुम बहुत जल्द समझ जाओगी। तो तुम खुश रहो, ये लड्डू खाओ। ये गुड्डा तुम्हें तुम्हारे पति की याद दिलाता है ना?
तो अब ये मेरे पास रहेगा। जब तक कि ये मेरे पास है, तुम यहां से कहीं जा नहीं सकते। और मुझे और गौरव को एक साथ देखकर जल के राख हो जाओगे। ठीक है मेम साहब, हम यही रहेंगे। लेकिन आप हमें यहां रुकाकर साबित क्या करना चाहती हैं कि आपने एक ऐसे आदमी से शादी की जो आपसे बिल्कुल प्यार ही नहीं करता? वो आदमी इस शादी को कभी नहीं मानेगा। आपकी ये शादी बिल्कुल ही झूठ और फरेब की बुनियाद पर खड़ी। आपने पति तो पा ली, लेकिन प्यार कैसे पाओगी उर्वशी मेम साहब? उर्वशी चौधरी जो चाहती है वो पाकर ही रहती है। और आज रात तुम देखोगी कैसे मैं और मेरा पति करीब आते हैं। ये भी देखोगे कैसे धीरे धीरे दिन ब दिन मेरा पति मेरे प्यार में पागल होता है। किसने किया है? इस रूम की सारी डेकोरेशन, सारी सजावट तुमने ही की है। लेकिन और अब इस कांटों के बिस्तर पर तुम ही सो। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।